हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइट कोक और जो कोक जीरो शुगर है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क है। फ़र्क तो है, एक गलती कोक ने अपनी सुधारी है, फ़र्क तो है। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, डाइट कोक पहले आया, उसके बाद कोक ज़ीरो आया था, जिसको 2017 के अंदर कोक ज़ीरो को कोक ने डिसकंटिन्यू किया। तो उसको कोक ने डिसकंटिन्यू करने के बाद एक नया प्रोडक्ट दिया, कोक ज़ीरो शुगर। तो जो उसने ये कोक ज़ीरो को बंद करके कोक ज़ीरो शुगर दिया, ये एक जस्ट मार्केटिंग का टेक्निक था। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम हैं, कोक ज़ीरो और कोक ज़ीरो शुगर में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन डाइट कोक के अंदर कुछ गलतियाँ थी, जो डाइट कोक के अंदर एक चीज़ है जो नुकसानदेह है। डाइट कोक के अंदर सोडियम का कंटेंट कम करने के लिए जो इन्होंने प्रिजर्वेटिव है, वो सोडियम बेंजोएट की जगह पोटाशियम बेंजोएट यूज़ किया है, और उसके अंदर सिट्रिक एसिड भी है। तो जैसे कहीं धूप में डाइट कोक का कैन पड़ा रहे, तो फिर यहाँ कोई उसको इक्का दुक्का कोई कभी इंसान गर्म कर लेता है गलती से, या कुछ होते हैं कुछ लोग, तो वो फिर सिट्रिक एसिड और पोटाशियम बेंजोएट रिएक्ट करता है और बेंजीन बनती है। बेंजीन एक कार्किनोजेन है, कार्किनोजेन वो चीज़ होती है जो आपको कैंसर कर सकती है। तो इसलिए वो एक गलती थी कोक के अंदर, तो डाइट कोक के अंदर। तो फिर उस चीज़ को इन्होंने सुधार करने के लिए, जो प्रिजर्वेटिव था आपका, जो सिट्रिक एसिड था उसके अंदर डाला गया पोटाशियम बेंजोएट के साथ डाइट कोक में। अब पोटाशियम बेंजोएट तो इसके अंदर है, लेकिन सिट्रिक एसिड की जगह इसके अंदर पोटाशियम सिट्रेट डाल दिया गया है, तो इसलिए ये इसमें ये बेंजीन नहीं बनती। दूसरी बात, जो उसके अंदर पूरी की पूरी एस्पर्टेम थी, जो आपका डाइट कोक है, इसके अंदर एस्पर्टेम के साथ एस सल्फेम के पोटाशियम का सिंबल है केमिस्ट्री के अंदर, एस सल्फेम पोटाशियम, ये भी एक तरीके का स्वीटनर है। जैसे एस्पर्टेम 200 टाइम्स स्वीटर देन शुगर है, लेकिन बिना कैलोरीज के है, ऐसे ही जो एस सल्फेम के है, ये भी 200 टाइम्स स्वीटर देन शुगर है, लेकिन बिना कैलोरीज के है। तो ये दोनों जो एस सल्फेम के है, बहुत सेफ स्वीटनर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एस्पर्टेम भी बहुत सेफ स्वीटनर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 50-60 कैन को इकट्ठे पियेंगे तो एस्पर्टेम आपके हार्ट को दिक्कत कर सकती है। एक दिन में कितने इंसान कोक के कैन पी लेगा, 5, 7, 10, 12, बहुत कोई करेगा, तो इससे ज़्यादा कौन पिएगा। तो इसलिए एक सेफ स्वीटनर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस जो डाइट कोक के अंदर वो जो एक दिक्कत है, वो जो बेंजीन बनती है सिट्रिक एसिड और पोटाशियम बेंजोएट से, वो खतरनाक बात है, वो नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर आपको पीनी हो तो आप कोक ज़ीरो शुगर पिए, डाइट कोक को पीना अवॉइड करें। तो ये डाइट कोक आपके लिए बढ़िया नहीं है, कोक जीरो शुगर आपके लिए बढ़िया है। और मैंने एक और पहले भी वीडियो बना रखी है डाइट पेप्सी और डाइट कोक के बारे में, आप उसमें भी देख सकते हैं दोनों में क्या फर्क है। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।